हिंसा है, ये सब हिंसा है, अथवा बिना मतलब किसी की हिंसा कर दी, ये सब हिंसा है। और जिसका ये अमान, यदि कोई दुष्ट ऐसा आदमी हो गया और सबकी हिंसा कर रहा है, फिर आ गया और पता नहीं हजारों को मारेगा या किसकी हिंसा करेगा, उसको मार देंगे तो एक हिंसा होगी ना, इससे सैकड़ों तो बच गए, वो हिंसा हिंसा नहीं कही जाएगी। तो इस तरह से विद्रोह की जो विद्रोह की हिंसा वाली बात है, वो हिंसा नहीं कही जाती, वो कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, कर्तव्य है। तो इस तरह से हिंसा का मतलब जिसमें केवल द्वेष बुद्धि और अव्यय पूर्वक जो हिंसा होती है, जिसका फायदा कुछ नहीं, ये थोड़ा सा भी वाणी से भी कुछ कष्ट पहुंचाओ ना, वो भी हिंसा हो जाएगी, बिना मतलब के कर, बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के, यदि वाणी से भी किसी को कठोर बोले और उसके मन में दुख होते तो हिंसा करेगी, और बड़ी हिंसा भी हिंसा नहीं होगी यदि उचित करते हैं। तो इसलिए ये अहिंसा जो है, अहिंसा के लिए सभी धर्मों में कोई भी धर्म हिंसा को धर्म नहीं मानता है, अहिंसा को धर्म, हिंसा को धर्म मानने वाला तो असुर होता है, असुर हिंसा को धर्म माने, लेकिन ये कर्तव्य वाली बात अलग हो जाती है। हिंसा ये धर्म नहीं है, हिंसा अधर्म है, अहिंसा परम धर्म वेद का वचन है, अहिंसा जैसे परम धर्म है। देखो गांधी जी अहिंसा को बहुत ध्यान देते रहे और वो इसी अहिंसा की व्याख्या करते रहे कि भाई अहिंसा ये ठीक अहिंसक हो तो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोले थोड़ी हिंसा हो जाती, दूसरे का तो नुकसान पहुंचेगी ना। ऐसा अहिंसा की गहरा व्याख्या किया कि अहिंसा के अंदर सारे धर्म आ गए, इसलिए अहिंसा भी ये सारी तप है, इससे जीवन पवित्र होता है और धर्म तत्व हृदय में निवास करता है। तो ये जो शारीरिक तप था, इस तप का प्रश्न है, यहाँ पर हमारे यशो के कुंड महाराज ने महान तप किया है। तो पहला जो तप है शारीरिक तप, हमें गुरु का सौ ब्रह्मचारी अहिंसा से शारीरिक तप उचित, ये शारीरिक तप की व्याख्या थोड़ा सा किया आपको, और सुना उसके बाद में वाणी का तप आएगा। ये सब जीवन में धारण करने होते हैं, आप बोलो तो विचार के बोलो, और इसको कहते ना बाणी, हमारे उधर काशी की तरफ बोलते हैं बाणी से पान खाता, बाणी से पनीर है, उधर की भाषा है। तो बाणी के मन बाणी जो है वो ऐसा पवित्र बोलेगा तब कुछ होगा कि लग पान खा लेगा, और पानी बाणी ऐसी जल बोलेगा तो छात्र चप्पल डालेगा है। तो बाणी जो है तो बाणी बहुत अनमोल है, बाणी तो अनमोल है, जो कोई चाहे बोल है, बाणी बड़ी अनमोल है। ये वाणी का जो तप है आपको कल बदलाएं, शाम को शाम को नहीं हो कुछ, शाम को बदला देंगे आपको वाणी का तप। वाणी के अनमोल है, जो कुछ चाहे बोल, जो कुछ जाने बोल, हृदय तराजू तोड़ के तुम मुख बाहर को, हृदय में जरा लो, मन में जरा तोड़ लो, अपने हृदय में रख के देख लो कि बोलना ठीक है कि नहीं। इतना ही क्या, हृदय तराजू तोड़ के तुम मुख बाहर को, फिर बाहर उसको हाँ भाई ये तो उसे सफल हो जाओ। तो वाणी का तप भी मनुष्य जीवन को पवित्र और सफल बनाने वाला है। शरीर का तप आप बताया, वाणी का तप आप शाम को बताएंगे और समझते पूर्णमादाय बोला जैसा भगवान के नाम को मैंने बहुत बताया, और एक दो बार भगवान का नाम ले लो, हम भी उच्चारण करने भगवान का नाम है ना, भगवान के नाम की नमाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम से बोलो हरि का नाम, प्रेम से बोलो हरि का नाम, प्रेम से बोलो हरि का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भव्य भवनाय ओम भवनाय ओम भवन ओम प्रभवे ओम युगादिकृते ओम युगावर्ताय ओम मृगाय ओम क्रोधग्ने ओम कौर्यकर्तव्ये ओम विश्ववाहवे ओम महेश्वराय ओम प्रतिष्ठिताय ओम स्कन्धाय ओम स्कन्धराय ओम ध्रुवियाय
अब इसके बाद में शारीरिक तत्व बतला है कि ब्रह्मचर्य अहिंसा के सारी रंग तत्व थे सबका ऐसा साध्य संभव थोड़ा वर्णन किया। मैंने कहा था कि वाचिक तप सबसे बहुत प्रधान ये वाणी है, वाणी के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता। मान लो ऊपर से बंद भी कर दे तो अंदर बोलते रहते हैं। एक महात्मा ब्रह्मचारी उत्तर काशी में गए और एक अनुष्ठान करने की अपेक्षा से गए, अनुष्ठान करूंगा और नीचे क्या कहा आज इतने माला जप करूंगा फिर उसके बाद में इसे करूंगा। और जब वो 3 घंटे बाद उठ करके आए थे, मैंने पूछा कि कितने आज कितनी माला हुई, बोले आज तो बातचीत में लग गया। हमने कहा बातचीत किससे करते रहे, अकेले तो बैठे रहे, अकेले जब बैठे रहे एकांत में माला जपने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए और निश्चय करके कितना माला पूरा करेंगे, फिर बात किससे करने लगे। बोले अपने आप ही बात होता रहा, दूसरा कोई नहीं था, अपने आप में मन बात करता रहा। तो वाणी ऐसी है हाँ जिसका तब बड़ा ही प्रभावशाली है। वाचिक वाचिक तब का हमारे वाणी जीव के अंतर जीव के और अभ्यंतर के अभ्यंतर जीव से भी वाणी का संबंध है। वाणी की महिमा और वाचिक तब का स्वरूप और यथा संभव जैसे भगवान की प्रेरणा होगी। गीता के श्लोक के अनुसार वाणी का तब क्या है, अनस्मेय कर्म वाक्यम सत्यम प्रेतम स्वाध्याय विष्णु के योग वाणी का तब जो मनुष्य